हाँ मटर है। हटो बेटू हटो, निकला हटो बेटू। बर्थडे सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। यहां पे शाम का टाइम हो रहा है। आज मेरी सासू माँ ने बोला है कि आज मैं बनाऊँगी पाव भाजी। मेरा प्लान था पाव भाजी बनाने का, बट मम्मी ने बोला नहीं आज मेरे हाथ का पाव भाजी खाओ, मैं बनाती हूँ। तो वही यहाँ पर वो सारी वेजिटेबल्स जो उनको डालनी थी, पम्पकिन हो गया, लौकी हो गया, गोभी, मटर एंड कैप्सिकम, पटैटो, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने इसमें कुकर में डाल करके रख दिया है सीटी लगाने के लिए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं मेरा बाल कितना ऑयली है एकदम गर्मी से, पसीने की वजह से। और यहाँ पे सीटी आ गई थी तो मम्मी यहाँ पे इसको मैशर से मैश कर रही हैं और मैं कुछ टमाटो एंड अनियन निकाल करके मम्मी को देती जा रही हूँ। मतलब जो जो सामान है मम्मी को पता नहीं है ना कहाँ पर क्या चीज़ रखा है, सो इसलिए मैं मम्मी को सब कुछ इन्ग्रीडियंट जो भी है वो निकाल के देती जा रही हूँ। और अब मम्मी यहाँ पर इसको छौंकने जा रही हैं, यानी कि फ्राई करने जा रही हैं। हींग थोड़ा ही है, इसमें है तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ऑयल गरम कर लेंगी, इसके बाद इसमें जीरा, हींग और थोड़ा सा मेथी, अजवाइन और थोड़ा सा सरसों दाना, ये सब चारों चीज़ें डालने के बाद ही इसमें प्याज को अच्छे से भूनेंगी। अभी हींग डाला है मम्मी ने यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये सॉरी प्याज नहीं डाला था, टमाटर की प्यूरी मतलब टमाटर को चॉप करके डाला है, प्याज ऊपर से सिर्फ गार्निशिंग के लिए डालेंगी। अभी यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाल रही हैं, अब इसको भून लेंगे। लकड़ी वाला भी है कहाँ चलाने का, हमने नहीं दिखाई दिया है ना, इसको पूरी कर दो। तो मम्मी यहाँ पे भाजी बना रही हैं और मैं जो एक्स्ट्रा बर्तन निकल रहे थे थोड़े बहुत जो छोटे मोटे होते हैं ना वो मैं क्लीन करती जाती हूँ, जैसे मैशर हो गया एंड चॉपर हो गया, तो वो सब मैं अपनी हाउस हेल्पर के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो वही यहाँ पे हम दोनों लोग बातें भी करते जा रहे हैं और साथ के साथ काम भी होता जा रहा है। तो आज हम सास बहू किचन में मिल करके काम कर रहे हैं। वैसे आज मम्मी पाव भाजी बना रही हैं तो आज देखिएगा वर्मा जी को कैसी लगी, क्या बोलते हैं, वो सारी बातें आज आपको इस व्लॉग में देखने को सुनने को मिलने वाली हैं। अभी जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब मम्मी जो ये सब्जी को मैश करी थी वो देखिए अब इसमें डाल दे रही हैं। और बस अब हमको अपनी सब्जी को भी अच्छे से पका लेना होगा। जब ये अच्छे से पक जाएगी तो फिर बन जाएगी हमारी यहाँ पे भाजी। ये देखिए मम्मी यहाँ पे डाल रही थी तो मैं ज़ूम करके आपको पास से दिखा रही थी।
तो यहाँ पे मम्मी मेरे को बोल रही थी, तुम थोड़ा टेस्ट करके देख लो तुम्हारे हिसाब का टेस्ट है कि नहीं है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मेरे को समझ में नहीं आता है टेस्ट, मैं टेस्ट नहीं करती हूँ। मतलब जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं टेस्ट वेस्ट करके नहीं देखती हूँ, बस मैं अंदाज़ से ऐसे बना लेती हूँ खाना। सो अभी वही मम्मी कह रही थी थोड़ा सा स्वाद देख लो, तो मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे अच्छा लगा। मम्मी के हाथ का पाव भाजी और मतलब खाना मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, और मैंने कहा हाँ ठीक है यहाँ पे अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे कम समझ में आता है, मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, तो वही मैं बोल रही थी यहाँ पे। सब्जी में डाला होगा ना बस, इसमें डाल डैडी आ गए क्या? स्टोरी टाइम। तो वर्मा जी आ चुके हैं और यहाँ पे मम्मी घर का मक्खन निकाल रही थी। मलाई घर पे हमारे रहते ही है, मतलब रहती है, सो थोड़ा सा मक्खन यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ही निकाल लेंगे। और बहुत अच्छा हैंड ब्लेंडर है, मतलब बहुत इजीली निकल आता है। इसका रिव्यू मैंने आपको पहले ही शेयर किया है अपने चैनल पर, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये अगारो ब्रांड का है और 3-in-1 है, काफ़ी अच्छा है। सो ये देखिए 5 मिनट में यहाँ पर मक्खन जो है वो निकल आया है। तो यहाँ पे मैं कैमरा तो मैंने सेट कर दिया था ट्राईपॉड पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वर्मा जी आ करके खड़े हो गए थे और वो कुछ कर रहे थे वहाँ पे स्लैब पे खड़े हो करके, और इधर मम्मी ये सब मक्खन वगैरह धो रही थी, मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल कि ये कैमरे के आगे खड़े हुए हैं। सो खैर कोई बात नहीं, और यहाँ पे भाजी बन चुकी है, वर्मा जी पाव लेकर के आ चुके हैं। अब गरम गरम पाव भाजी हम लोग खाएंगे, इंजॉय करेंगे, और चलिए चलते हैं फटाफट से अपना डिनर करते हैं। यहाँ पे मम्मी ही पाव अब सेकने जा रही हैं और वर्मा जी की प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले उनको ही देंगे, क्योंकि वो ऑफिस से आने के बाद ना सीधे डिनर ही करते हैं। तो अभी वो कुछ छोले चावल जो बनाया था मैंने आफ्टरनून में, उसको वो खा लिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि भूख उनको बहुत ज़्यादा लग रही थी। वो आके चाय नाश्ता नहीं करते हैं इसीलिए। सो मैंने यहाँ पे घड़े में पानी भरने को लगाया था, वो भी भर गया है, अब मैंने उसको बंद कर दिया है। मम्मी की यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत हेल्प करती जा रही हूँ, जैसे बर्तन वगैरह निकालना, और वो सेकती जा रही हैं। तो चलिए वर्मा जी की प्लेट लगा देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं यम्मी यम्मी पाव भाजी। Lay down and I play dead.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted. दीजिए दीजिए आप ही दीजिए आप ही दीजिए मैं हम कह रहे हैं आप ही दीजिए बना रहे हैं अभी चम्मच ले लीजिए पियू टीवी थोड़ा धीमा करो बेटा सब कुछ है इसमें अलग नहीं है अलग नहीं है अच्छा मुझे पता है क्या खाना है इसे दो यार थोड़ा क्रंची करना क्रंची का क्रंची का बहुत है मसाले की मात्रा इसके हिसाब से मैंने पहले ही काफी डाला कैसा बना बहुत अच्छा आज पाव भाजी जैसी लग रही है तो सुना आपने वर्मा जी ने क्या कहा पाव भाजी आज पाव भाजी जैसी ही बनी है मतलब माँ के हाथ का कुछ भी हो टेस्ट तो माँ के हाथ का ही होता है और मतलब अच्छा लगा और उनको भी बहुत अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा मतलब मम्मी अच्छा बनाती हैं खाना उनके हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर मम्मी पनीर डालना भूल गई थी तो वही बोली कि लाओ मैं उसको पनीर भी ग्रेट करके डाल देती हूँ चम्मच मैं कह रही क्या चीज़ भूल गई एक मिनट आज पाव भाजी जैसी लग रही है माँ के हाथों का प्यार लग गया ना माँ के हाथों का प्यार और क्या सबको भी माँ अच्छी लगती है सबको लगनी भी चाहिए लगती है और क्या नहीं उसमें